हर दोस्तों नमस्कार, उमिट टेक्निकल यूट्यूब चैनल के माध्यम से समस्त ईपीएस 95 पेंशनर्स भाई बंधु आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों आज मैं बता दूं कि सरकार का भी समर्थन ईपीएस 95 पेंशनर्स को मिल चुका है। ईपीएस 95 पेंशनर्स भी पूरी तरह से तैयार हैं दिल्ली आंदोलन को। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी पूरी तरह से ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में समर्थन कर दिया है। अब जल्द ही आप लोगों को आपकी बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने की अपडेट सामने निकल के आएगी। देखना यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में 12 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेके वहां पे जो मामला चल रहा है उस पर क्या निष्कर्ष सामने निकल के आता है, क्या सुनवाई होती है कि नहीं होती है, क्योंकि जो एडवांस का लिस्ट है उसमें नाम नहीं सामने है। लेकिन कहीं कहीं अगर मान लीजिए सुनवाई हो जाती है तो ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि को लेकर अगर मान लीजिए कोई अच्छी अपडेट सामने निकलती है तो उस पर ईपीएफओ क्या डिसीजन लेगा, ईपीएफओ के माध्यम से ईपीएस 95 पेंशन को कितनी पेंशन मिलेगी, कैलकुलेशन क्या है, डेट क्या है और कितने तारीख से ईपीएस 95 पेंशन की पेंशन में वृद्धि हो जाएगी, एक बड़ी अपडेट है। अच्छा, दिल्ली आंदोलन को लेकर भी सरकार का पूरी तरीके से समर्थन ईपीएस 95 पेंशनर्स के पक्ष में है। वहीं पे ईपीएफओ भी ईपीएस 95 पेंशनर्स के समर्थन में आ चुका है। तो कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ देरी अब यही है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सामने आ जाए और ईपीएफओ भी पेंशन देने को राजी हो चुका है और सरकार भी ईपीएस 95 पेंशनर्स को पेंशन में वृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब यह है कि माननीय वित्त मंत्रालय में ईपीएस 95 पेंशनर्स के जहां कहीं ना कहीं से यह जानकारी निकल के आ रही थी कि उनके पास फंड नहीं है तो किस प्रकार से पूरे चीज को जो तो मेंटेन किया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन उसकी जानकारी भी जिस प्रकार से सामने निकल के आएगी मैं अपने वीडियो के माध्यम से वो जानकारी भी आपको दे दूंगा। लेकिन यह है कि माननीय वित्त मंत्रालय की तरफ से भी किसी भी प्रकार का कोई अपडेट नहीं आया तो थोड़ा सा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दुखद हो सकता है। लेकिन जिस प्रकार से माननीय स्तंभ मंत्रालय और माननीय जैसे हमारे पीएमओ की तरफ से जो पत्र सामने निकल के आ रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन सामने निकल के आ रही है, तो उससे तो यही प्रतीत हो रहा है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में जल्द ही वृद्धि होगी। तो ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है जितने भी ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें बढ़ी हुई पेंशन की राशि मिलने लगे। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफ़ी नज़दीक पेंशन के होते हुए भी अभी उनके हाथ में पेंशन नहीं है। मामला सिर्फ और सिर्फ माननीय सुप्रीम कोर्ट में फंस रहा है। देखिए, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक ही महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट आपको खबर दी जाती है, ये खबर से आपको विचलित नहीं किया जाता है। ये जो बेसिक इंफॉर्मेशन होती है उस इंफॉर्मेशन से आपको अपडेट कराया जाता है, आपको इधर उधर की बातों में घुमाया नहीं जाता है और ना ही किसी भी प्रकार के हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से अगर मान लीजिए कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं तो कोई इधर उधर की जानकारी नहीं दी जाती है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको पॉइंट टू पॉइंट जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है कि क्यों नहीं आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। बस ये, अगर आपको जानकारी पसंद आती हो, हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपके समझ में आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ये हमारा आपसे रिक्वेस्ट है। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, निकल जाते हैं, तो बिल्कुल अभी के भी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।